स्टैम्प भी मिनिएचर है। किसी जो प्रोफेशन है, किसी को भी अगर इस्तेमाल किया कमर्शियली, तो वो मिनिएचर आर्टिस्ट नहीं किया, क्योंकि वो गवर्नमेंट में, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन, जहाँ सारी बैंक नोट, स्टैम्प, प्राइस बॉन्ड, यू जस्ट नेम एनीथिंग जिससे सिक्योरिटी का कोई ताल्लुक हो, प्राइस बॉन्ड, आईडी कार्ड, ये सब वहीं बनते हैं। तो मिनिएचर ही वहाँ पर काम आया हमारे, और मिनिएचर ही के ज़रिए हमने ये स्टैम्प की डिज़ाइनिंग गोरों ने हमें सिखाई। बहुत अच्छे उस्ताद थे वो हमारे, लेकिन वो हमसे ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि हमने तो बेसिक ट्रेनिंग ही मिनिएचर के लिए हुई थी ना, और इतने साइज़ में बनाना। खैर, उनसे टेक्निकली तो हमने बहुत कुछ सीखा, जो हमारे उस्ताद थे बहुत अच्छे थे, कि किस तरह कंपोजिशन होती है और क्या होती है, लेकिन कोई ज़्यादा उनसे हमने हासिल नहीं किया, क्योंकि हम लोग उससे बेहतर काम करने वाले थे। उन्होंने कोई मिनिएचर की ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी, वो एज आर्टिस्ट ही थे, और उनका एक्सपीरियंस बहुत था, 40 साल वो काम करके आए थे। तो इस तरह मिनिएचर काम आया हमारे पोस्टेज स्टैम्प डिज़ाइनिंग में, बैंक नोट डिज़ाइनिंग में। तो ये वाहिद ऐसा प्रोफेशन है कि जो आप कमर्शियली जिसका इस्तेमाल हुआ। मेरी पेंटिंग्स थी वो तो अब ख़त्म ही हो गई, फिर तो टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि जब सिक्योरिटी प्रेस में तो सुबह 7 बजे से और 5 बजे तक तो आप वहाँ रहते थे। और कुछ दिन तो काम किया, सोलो शो मेरे हुए बशीर के साथ, बशीर मिर्ज़ा के साथ काफ़ी काम किए, लेकिन बस बाद में फिर ख़त्म ही हो गया ये। बस वो भी क्योंकि पेंट ही करना होता है, जब स्टैम्प अप्रूव हो जाता है तो आपको 4 टाइम या 6 टाइम इनलार्ज करके उसे फिर पेंट करना होता है, तो वही इतना कंबरसम काम होता है कि आप उससे टाइम ही नहीं मिलता था। तो फिर उसके बाद तो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, लेकिन बस एक पैशन है कि कलेक्शन का मेरी, तो बहुत सारे दोस्तों की, आर्टिस्टों की तस्वीरें हमने जमा की हैं, पेंटिंग्स। उस ज़माने में सिक्योरिटी प्रेस ही था पूरे सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ पर वाहिद वो था कमर्शियल इदारा, जो ये सिक्योरिटी प्रेस, जहाँ पर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स छपते थे। हम तो हमने कोई बैरिन क्रूशल स्टेट्स जितनी थी सब के स्टैम्प हम छापते थे, बैंक नोट पाकिस्तान के तो छापते थे, हमने सीरिया और इंडोनेशिया के बैंक नोट भी यहीं छपे पाकिस्तान में एक ख़ास पीरियड तक, और स्टैम्प्स तो ये 70s तक हम छापते रहे। अब किसी को भी रासुल खेमा, यमन, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी सब के हम छापते थे, तो कंपटीशन बहुत था। उधर ईस्ट पाकिस्तान के डिज़ाइनर थे वो बहुत अच्छे थे, इधर हम तो एक वक्त में हम लोग 16 डिज़ाइनर थे, क्वालिफाइड 16 डिज़ाइनर और एनग्रेवर्स थे जो यहाँ काम करते थे, और बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा। मैंने 38 ईयर्स वहाँ गुजारे, एज ए सीनियर डिज़ाइनर मैं अपॉइंट हुआ था, फिर बढ़ते गए और फिर मैं चीफ डिज़ाइनर बना, फिर मैं जनरल मैनेजर बना, तो इस तरह बहुत बड़ा स्पैन जो वहाँ गुजरा, 38 ईयर्स बहुत बड़ा एक पीरियड होता है। जब हम आए थे तो दाढ़ी मूछ कुछ नहीं थी, हम बूढ़े होके निकले वहाँ। Thank you.
अब 10 साल पहले आया है कंप्यूटर और स्कैनर्स वगैरह। पहले तो हर चीज़ जो था ना वही 1 इंच बाई 1.5 इंच में ही आपको डिज़ाइन करनी होती थी, या अगर बैंक नोट बनाना है तो 5 इंच बाई 4 इंच में ही वो सारा करना होता था, उसी में पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिखाना होता है। तो पहले हम रफ पेंसिल स्केच बनाते थे, फिर उसमें कलर डालते थे, फिर उसको थोड़ा फाइनल करते थे, फिर जब हमारे टीचर या उस्ताद अप्रूव कर देते फिर हम उसे फाइनल उसी साइज़ में बनाते थे, लेकिन सब होता सेम साइज़ था। और हमें वो मैग्नीफायर ग्लास जो होता है, जो ये जो वॉचमैन नहीं इस्तेमाल करते वो हमारे यहाँ पे वो पड़ जाते थे, उसके अलावा वो काम नहीं करने देते थे कि आप उससे नहीं कर सकते इतना डिटेल से काम। और ब्रश भी 0000 के होते थे। तो इस तरह हमने ये गुजारे। फिर ये कंप्यूटर तो अब आए हैं 10-15 साल पहले, और अब तो बहुत आसान हो गया। पहले तो एक एक महीना लगता था हमें बनाने में। मैं तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट, मुझे तो जो ऑर्डर मिलता है ऑफिशियली वो भेजते हैं कि जी इस मौके पे ये इवेंट है और इस पे आपको इस तारीख में स्टैम्प निकालने हैं। तो हम तो अपना रेगुलर जॉब समझ के ये करते हैं और फिर वो सबमिट करा देते हैं, और पूरी टीम होती है डिज़ाइनर्स की, वो अपने अपने स्टैम्प अपने कॉन्सेप्ट के ज़रिए वो स्टैम्प बनाते हैं और वो अप्रूवल के लिए भेज दिए जाते हैं। तो अब जो भी अप्रूव हो जाए, इसकी एक कमेटी पहले बैठती है और जो डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट हैं वो एक कमेटी होती है, उसमें सबमिट करते हैं, उसमें चूज़ करके फिर वो आगे भेजे। सब नहीं भेजे जाते, चंद स्टैम्प जो अच्छे होते हैं वो भेजे जाते हैं, और फिर वहाँ से जब सेलेक्ट होके आ जाते हैं तो फिर। लेकिन अब तो ये दौर आ गया कि अब स्टैम्प्स और लेटर की कोई अहमियत ही नहीं रही है, अब तो सब 2 मिनट में मैसेज भी चले जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि पहले एक स्टैम्प तकरीबन 25 लाख स्टैम्प छपते थे, फिर वो कम होते होते फिर 15 आए, फिर 10 आए, और आज के दौर में 2.5 लाख या 3 लाख स्टैम्प भी नहीं छपते। तो ये अब पता नहीं इसे अचीवमेंट समझें या क्या। और आइंदा 5 साल में तो ये बिल्कुल डेड आर्ट हो जाएगा। आप इसे ढूंढेंगे कि फलां स्टैम्प ढूंढने को निकलेंगे तो वो भी नहीं मिलेंगे। ये हमारा मोटो है, कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहाँ शबी। ये हैं हमारे उस्ताद हाजी मोहम्मद शरीफ। तो इसी तरह हमें ज़मीन पे बैठ के ये बनाने होते थे। ये हमारा स्टूडियो है, डिज़ाइन स्टूडियो। ये ऑन द स्पॉट मैंने डिज़ाइन किया, वहाँ गया एक हफ़्ता मुंजोडारो हम ठहरे, सबको भेज देते थे वो कि जाएँ स्केच करें। तो ये मेरा स्टैम्प, ये इंटरनेशनल कंपटीशन था उसमें गया था ये स्टैम्प, यूनेस्को का ये प्रोजेक्ट था। ये जो आप काम देख रही हैं सारा मेरा काम है, और अब तक तकरीबन 750 मेरे जो स्टैम्प्स हैं वो प्रिंट हो चुके हैं, और डिज़ाइन तो मेरा ख्याल 1000 एंड 1000 ही किए होंगे। जो मेरे अप्रूव हुए हैं वो ये हैं जो प्रिंट हुए, और ये सब स्टडीज़ हैं। ये अगर आप वो स्टैम्प भी देखें ना सामने रख के, तो जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास तो कोई प्रेस था नहीं,
तो और डिज़ाइनर भी जैसे मैंने कहा गोरे ही थे, तो उन्होंने तीन टॉपिक लिए यहाँ के ना, तो जिसमें हमारी वो पुरानी असेंबली और वो दिखाए, लेकिन उसमें जो फर्स्ट स्टैम्प निकला उसका जो डिज़ाइन किया था वो कमोमरेटिव स्टैम्प की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डेफिनेटिव भी निकलते हैं जो रेगुलर होते हैं। कमोमरेटिव स्टैम्प का डिज़ाइन जो था वो एक किया था चुगताई साहब ने, अब्दुलरहमान चुगताई, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उनका वो स्टैम्प वन ऑफ द बेस्ट स्टैम्प था उस साल का। इसी तरह उसमें सिर्फ वो इस्लामिक पैटर्न उन्होंने दिखाए थे, तो पहले हम तस्वीर नहीं छाप सकते थे, किसी की भी तस्वीर नहीं छपती थी स्टैम्प के ऊपर, ना बैंक नोट पे छपते थे। लेकिन फिर जब अयूब खान साहब आए तो वो चीफ थे, चीफ मार्शल, तो उन्होंने फिर अपना स्टैम्प बनाया और बनवाया हम सर, उसमें कहा कि मेरी तस्वीर भी होनी चाहिए, तो फर्स्ट टाइम उनकी पोर्ट्रेट जो था ना वो हमने बनाया। तो इस तरह जैसे अयूब खान के दौर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, कितने डैम बने, क्या हुआ, वो सब हमने स्टैम्प्स में दिखाया, और हर स्टैम्प की हिस्ट्री अलग अलग है। और जब ये स्टैम्प छपता है तो इसके साथ एक लीफलेट भी छपता है जिसमें हर स्टैम्प पे हमने क्या डिज़ाइन किया है, क्यों डिज़ाइन किया है, और वो सब उसमें डिटेल होती है। जैसे अयूब खान ने जितनी डेवलपमेंट डिकेड ऑफ रिफॉर्म्स उन्होंने बनाया था बहुत बड़ा, तो उस डिकेड में जितने भी काम हुए थे वो सब हमने स्टैम्प्स में छापे। फिर इसी तरह जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वो था वो भुट्टो साहब का दौर था, उसमें जो स्टैम्प निकले उसमें ज़रा आपको डिफरेंट डिज़ाइनिंग लगेगी, डिफरेंट रेवोल्यूशन लगेगा आपको। इसी तरह हर पीरियड में ना जो जो आता गया वो अपने तौर पे, वो ज़ियाउल्लाह साहब आए, उन्होंने सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, उन्होंने मस्जिदें और आयतें और इस तरह के स्टैम्प निकालने शुरू कर दिए, और फिर पोर्ट्रेट गायब हो गया। लेकिन फिर जब बेनज़ीर आई तो उन्होंने फिर अपने तौर पे स्टैम्प छपवाने शुरू, फिर हर इवेंट में जहाँ जहाँ भी वो जाती थी उस पर स्टैम्प निकलवाए उन्होंने। तो मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने बिल्कुल ही चेंज किया, बहुत मॉडर्न हो गए हम लोग, स्टैम्प भी कलर भी चेंज हो गए और बदल गए। 47 से आज तक जितना भी है अचीवमेंट्स हुई हैं या जो, सब आपके स्टैम्प्स में नज़र आए। स्टैम्प एज ए हॉबी करते थे, लेकिन कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम इधर चले जाएंगे। और मेरा ख्याल हमारे दौर के तो सारे बच्चे, उस ज़माने के जो बच्चे थे, सबको ही शौक़ होता था स्टैम्प कलेक्शन का, तो लेकिन कभी इधर आने का ये सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह स्टैम्प डिज़ाइन भी करेंगे।